आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ढेर सारा खाद हम बिना किसी झंझट के किस प्रकार से बना सकते हैं और इस खाद को बनाने के लिए हमें कोई भी अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। जो भी ग्रो बैग या गमले में हम सब्जी लगाते हैं या लगाना चाहते हैं उसी ग्रो बैग में ही हम ढेर सारा खाद भी बना सकते हैं, साथ में पौधा भी लगा सकते हैं। और जो खाद बनकर तैयार होगी वो इतनी अच्छी खाद होगी कि उसके अलावा आपको कोई भी खाद अपने पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खाद है जो फ्री में बनकर तैयार हो जाएगी। तो पूरी जानकारी खाद बनाने की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो छत पर हम बहुत ही आसानी से खाद बना सकते हैं, इसके लिए हमें कोई चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पर जो भी सामान होता है उसका यूज करके हम बहुत ही अच्छा खाद बना सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्रो बैग। आप वो ग्रो बैग ले सकते हैं जिसमें आप अभी बीज लगाना चाहते हैं या कोई भी पौधा लगाने वाले हैं। तो इस ग्रो बैग में मैंने पहले भी सब्जी लगाई है तो इसे खाली कर लिया है। तो पहले भी मैंने इस ग्रो बैग में खाद बनाया था तो उस खाद को मैंने खाली कर लिया है। तो अब मैं फिर से इसमें खाद बनाने वाली हूँ और इस ग्रो बैग को मैंने घर पर ही बनाया है बोरी की मदद से। तो खाद बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा कचरा। तो कचरा हमारे किचन का हो सकता है या हमारे टेरेस गार्डन में जो भी पौधे हैं उनके पत्ते, इनका भी यूज हम खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। किचन वेस्ट में हम हमारे घर में जो सब्जियां होती है उनके छिलके और जो ख़राब हो जाती है सब्जियां उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो भी ग्रो बैग था उसे खाली किया तो जो पौधे की जड़ होती है वो हमारी मिट्टी में फैल जाती है। तो मिट्टी में से मैंने पौधे की जड़ों को भी निकाल कर इसी ग्रो बैग में खाद बनने के लिए डाल दिया है। तो चलिए अब हम इस ग्रो बैग को रख देते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें इसमें सब्जियाँ लगाना है। तो मैं इस ग्रो बैग में बेल वाली सब्जी लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से दीवार के पास रखा है क्योंकि बेल वाली सब्जियों को जाल पर पहुँचाना ज़रूरी होता है, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें मिट्टी में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है उसे डाल दिया है। आप चाहें तो नीचे एक लेयर मिट्टी की भी बना सकते हैं। और देखिए अभी हमारे टेरेस गार्डन में से इस तरीके से पौधे के पत्ते निकल रहे हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज हम खाद बनाने के लिए करेंगे। तो जो भी हमने बेल वाली सब्जियां लगाई हैं, बहुत सारी बेल मैंने उखाड़ दी है तो उस बेल को भी सुखाकर मैं इसी ग्रो बैग में भरूंगी। तो हमारे छत पर जो भी कचरा होता है वो पूरा हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये ढेर सारे यहाँ पर बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, इनमें भी इस तरीके से जो पीली पत्तियाँ हो जाती है कुछ दिन बाद ये वैसे ही टूटकर गिरती है, इसलिए हम पहले ही इसे तोड़कर आप चाहें तो धूप में भी सुखाकर रख सकते हैं। या इसी प्रकार से हरी पत्ती को भी अगर हम डाल देंगे तो इसका भी खाद बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्यारी में मैंने बीन्स के पौधे लगाए थे तो उन्हें मैंने हटा लिया है। तो अब जो क्यारी में ऊपर ये पत्तियाँ हैं इन्हें भी मैं निकालकर उसी ग्रो बैग में डालने वाली हूँ। भले ही हम थोड़ी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं बीच बीच में। तो देखिए कितना सारा कचरा हमारे छत से ही इकट्ठा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे इस ग्रो बैग में अच्छे से भरते हैं। तो इस कचरे को हमें थोड़ा थोड़ा कर अच्छे से भरना है ताकि हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगे और खाद भी अच्छे से बन जाए। और इसी तरीके से हमारे घर में जो भी कागज निकलते हैं उनका भी यूज हम खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरीके का कागज है तो इसे करके
छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसी ग्रो बैग में डाल रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कागज़ नहीं हैं तो आप अखबार का भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कॉपी के पेज को भी डाल सकते हैं। तो अभी बहुत सारे इस तरीके के कागज़ हमारे घर से निकलते हैं, उन्हें हम जला देते हैं, लेकिन इनका यूज हम ग्रो बैग में डालकर इनका खाद बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस ग्रो बैग को आधा भर लिया है इन्हीं सभी चीज़ों को डालकर, तो इनका खाद भी बनेगा और ऊपर अब हम पौधे भी लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने देखिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करके रखी है। तो मिट्टी हम घर पर ही बिल्कुल फ्री की चीज़ों से अच्छी बना सकते हैं, जैसे इसमें हम गोबर की खाद मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और भी चाय पत्ती, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें होती है। मिट्टी को किस तरीके से बनाएं इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिट्टी को इस ग्रो बैग में भरते हैं। तो मिट्टी को हमें एकदम ग्रो बैग में नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी कर कर हम अगर इसमें भरेंगे तो मिट्टी नीचे तक चली जाएगी, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी चली जाएगी, जिससे हमारा खाद बहुत ही जल्दी बनने लगेगा और बहुत ही अच्छा खाद बन जाएगा। अगर आप इस ग्रो बैग में पत्ते वाली सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप ग्रो बैग को पूरा वेस्ट मटेरियल ये सूखे हुए पत्तों से भर सकते हैं और ऊपर थोड़ी सी लेयर मिट्टी की डालकर उसमें अगर बीज डाल देंगे तो वहाँ पर आपकी पत्ते वाली सब्जी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाएगी। तो हमने इस ग्रो बैग को आधा भरा है और आधा हम इसे मिट्टी से भरने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें बेल वाली सब्जी को लगाने वाली हूँ। तो मिट्टी भरने के साथ साथ हमें ग्रो बैग को देखना भी है कि हमारा ग्रो बैग अच्छा भर रहा है कि नहीं, और दो तीन बार हमें इस ग्रो बैग को उठाकर इस तरीके से रख देना है ताकि पूरी मिट्टी बराबर हो सके। अगर आप इस तरीके से ग्रो बैग भरते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारे छत पर भी वजन नहीं होगा और हमारा ग्रो बैग बहुत ही हल्का रहेगा, जिसे हम कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस ग्रो बैग को भर लिया है, ऊपर आधी मिट्टी है, नीचे हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो ऊपर हम चाहें तो अभी पौधे लगा सकते हैं और पौधे ग्रो होने के साथ साथ नीचे अब इसमें खाद भी बनेगा। जब आप इसे पलटेंगे तो आपको ढेर सारा खाद इसके अंदर से मिलेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल डाला है उसमें से आपको कोई भी एक चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से भरने के दो तीन दिन बाद पौधे लगा, जिससे कि मिट्टी जितना भी इसे नीचे दबना होगा उतना दब जाएगी। तो तीन चार दिन आपको अच्छे से इसमें पानी देना है, उसके बाद आप बीज लगा सकते हैं। तो मैं तो अभी बीज लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो हम फिर बाद में इसमें मिट्टी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें करेला के बीज लगाने वाली हूँ। बड़े साइज के ग्रो बैग में हम करेला के दो तीन बीज आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इस ग्रो बैग में पांच बीज लगा रहे हैं, लेकिन हम इसमें तीन ही पौधे को रखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज ग्रो होते हैं और कुछ बीज ग्रो नहीं होते, तो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही बीज लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिना किसी झंझट के पौधे भी लगा सकते हैं, साथ में उनमें खाद भी बना सकते हैं। तो जो भी पौधे लगाएं तो आप इसी प्रकार से लगाएंगे तो खाद भी बनेगा और पौधे भी आपके लग जाएंगे। तो मेरे छत पर जो भी ये पौधे लगे हुए हैं उन सभी को मैंने इसी तरीके से लगाया है, तो इनमें ढेर सारा खाद बन भी रहा है और पौधे भी हमारे ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम खाद बनाएंगे तो धीरे धीरे वो खाद जब बन जाता है तो हमारे पौधों को भी मिलने लग जाता है। तो जब कभी भी मैं पौधों को खाद नहीं दे पाती हूँ तब भी मेरे पौधे इसी तरीके से ग्रो होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप जितना चाहें उतना खाद बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।